हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम हिंदी मीनिंग लेकर आए हैं लाडी चाल फिट गुरलेज अख्तर के न्यू सॉन्ग फार्मिंग का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉन्ग के डायलॉग की, जो कि है मिट्टी जो उगे आ ते मिट्टी जो कमाने आ मेहनती बंदे आ ते जट अखवाने आ लोकी अन्नदाता कहिंदे जो ढिड सारी दुनिया का भरते ने आ पैली सानू मावां वर्गीए ते ट्रैक्टर सकियां भरावां वर्गे ने। मतलब मिट्टी में से पैदा हुए हैं और मिट्टी में से ही कमाते हैं, मेहनती इंसान हैं और हम जट कहलवाते हैं, लोग हमें अन्नदाता कहते हैं जो पेट सारी दुनिया का भरते हैं। ये खेत हमें अपनी माँ की जैसे हैं, माँ के जैसे खेत हैं और ये ट्रैक्टर हैं जो ये हमें सके भाइयों के जैसे हैं। अगली लाइन, वो जट्टो वे की काम कर दे सारा दिन चल शामी फन कर दे। मतलब जट्टो तुम क्या काम करते हो, पूरा दिन चिल और शाम को मजे करते हो फन करते हो। अगली लाइन, वो गेड़ी रूट घूम दे लैके बीमरा ते मड़काना थार वे जट्टा वे जाई दस के ऐसे केड़े थोड़े कारोबार वे। मतलब गेड़ी रूट पर घूमते हो लेकर बीमरे और थार लड़के जट्टा बताकर जाना ऐसे कौन से कारोबार है तुम्हारे। अगली लाइन, ओ खड़िया ने पोरचा च कारा महंगिया जट्टा ने कढ़ाइया बिलो थारा महंगिया। मतलब खड़ी है पोर्शों में महंगी महंगी गाड़ियाँ जट्टों ने निकलवाइया है महंगी महंगी थारे। मतलब कि जट्टों ने महंगी महंगी नई नई थारे नई अभी ली है। अगली लाइन, पैलियां ने खुलिया खड़े फोड़न आले मैसी तीन चार नी जट्टा दा बस बलिए फार्मिंग पक्का कारोबार नी। मतलब खेत बहुत है हमारे पास, मतलब कि हमारे पास पैलियां हैं जो खेत हैं वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे पास, फोर्ड और मैसी ट्रैक्टर खड़े हैं तीन चार लड़की जट्टों का बस यही लड़की फार्मिंग पक्का कारोबार है। अगली लाइन, खड़े चक दियो मुछा अखा ना डराउंदे ने दिने धुप्पे चाह शामी पैग लाउंदे ने। मतलब खड़े खड़े मूछें खड़ी करते हैं और आँखों से डराते हैं, दिन दोपहर में चाय और शाम को पैग लगाते हैं। अगली लाइन, वो साड़ी मॉडर्न फार्मिंग फिट बलिए जो खावे सब वेच खीरे साडे खेतों आंदे ने। मतलब हमारी मॉडर्न फार्मिंग फिट है लड़की, तू जो सब में खीरे खाती है वो हमारे खेतों में से आते हैं। अगली लाइन, नी पीओ वाले ने तरेलियां ने कट दे बैठे गड्डियां ते जांदे रा ब्लॉक हुंदे ने। मतलब पीओ वाले रोज रैलियां निकालते हैं लड़की बैठे गाड़ियों में जाते हैं और रस्ते ब्लॉक होते हैं। अगली लाइन, ओ खून च अणक थोड़े हिक्का विच जोर सुते उठिया तो डब्बा च ग्लॉक हुंदे ने। मतलब खून में अणखें तुम्हारे और छातियों में जोर है लड़के, तुम्हारे सुबह उठते ही कमर पर ग्लॉक कसे होते हैं। अगली लाइन, नी गज गज चेस्टा पाए डौलियां ते चीते बगयाड़ ने। मतलब गज गज की चेस्ट है, मतलब कि गज गज की छाती है और डौलों पर चीते छपवा रखे हैं, मतलब कि डौलों पर चीते अन्य जानवरों के टैटू बना रखे हैं। अगली लाइन, ओ करांगे प्लान बंक गेड़ा मारना दसी एड्रेस वे मैं गेड़ा मारना नाम लैके देख ली तू केरा जट दा लाडी चैल पिंड ददहेड़ा जट दा। मतलब करेंगे प्लान बंक कौन सा मारना है एड्रेस बताना मैंने चक्कर मारना है, मतलब कि तेरा एड्रेस बता मुझे आना है नाम लेकर देख लेना तू एक बार जट का लाडी चैल गांव ददहेड़ा है जट का। अगली लाइन, ओ जाऊ सिरे छड के जिन्हों पूछ लेंगी किरा आवाज मारनी। मतलब वो तुझे एंड तक छोड़ कर जाएगा जिसे तू एक बार आवाज लगाकर पूछ लेगी कि मेरा घर कहाँ है।